चाकसू कस्बे में स्थित उपजिला अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों और मरीज के परिजन के बीच हुए विवाद का मामला गर्मा गया है। घटना से नाराज चिकित्सा कर्मियों ने ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया और कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दी है। चिकित्सा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते यहां चिकित्सीय व्यवस्था प्रभावित हुई। अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। चिकित्सा कर्मियों का आरोप है कि बीती रात कार्यरत डॉक्टर्स के साथ मरीज के परिजनों ने अभद्रता और हाथापाई की है। उन्होंने डॉक्टर्स पर जबरन उपचार करवाने का दबाव भी डाला। हाथापाई और अभद्रता की जानकारी लगने पर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। अस्पताल के पीएम और डॉक्टर ऋतुराज मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रात के 8 बजे की घटना है। डॉक्टर शिवानी तो अपना ड्यूटी ऑफ करके जा रही थी। डॉक्टर विनोद आया था, एक पेशेंट आया, उस पेशेंट में ए परिजन को पेट दर्द था। तो डॉक्टर साहब ने आते ही पहले तो शिवानी ने देख लिया, शिवानी के देखने के बाद डॉक्टर विनोद ने देख लिया। देखने के बाद वो ज़बरदस्ती चिकित्सक के कहता कि आपने इसको इंजेक्शन क्यों लगाया, इसके बोतल क्यों नहीं चढ़ाई। तो चिकित्सा करना तो चिकित्सा का काम है कि उसके परिजन इसको डॉक्टर को गाइड करेंगे भाई हमें क्या चिकित्सा करनी है। पर उन्होंने जब मना इस तरह की चीज़ें, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा काम है चिकित्सा करना, मुझे देखना है कि इसको बोतल लगानी है इंजेक्शन लगाना, ये आपका विषय नहीं है। इतने में पेशेंट का परिजन बढ़ गया और वो डॉक्टर विनोद के साथ हाथापाई करने लग गया। एक हमारा नर्सिंग ऑफिसर थी करिश्मा और हरबल सिंह के साथ भी उसने हाथापाई की। तो अगर इस तरह की घटनाएँ अगर चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों के साथ होती रही तो हम किस तरह काम करेंगे बताए। इस तरह के माहौल में चिकित्सक चिकित्सा नहीं कर सकता। हमारा ध्येय कोई मरीज की को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा काम तो मरीजों को देखना, अच्छे से सेवा करना। लेकिन अगर इस तरह का अराजक तत्व आके आए दिन चिकित्सकों के साथ अगर अभद्र व्यवहार करेंगे तो हमने अपनी इमरजेंसी सेवाएँ और आईपीडी सुचारू बाकी ओपीडी वो बंद कर रखी। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम अपना इसको बंद रखेंगे। जो आज एफआईआर दर्ज हुई है कितने लोगों के खिलाफ इसमें? वो तो जो एक व्यक्ति है नामजद उसी के खिलाफ हुई है। हाँ, ऐसी घटनाएं मामला है, कई बार डॉक्टरों के और मरीजों के पास आए दिन आती रहती है, तो इसके बारे में कैसी क्या है डॉक्टरों के और मरीजों के बीच में? पहले भी कई बार मरीजों के और डॉक्टरों के, मरीज जब आता है तो मैं मानता हूँ कि जो भी पेशेंट है उसका परिजन आता है उसको तकलीफ होती है, तो हमारी जिम्मेदारी उस तकलीफ को दूर करना। लेकिन क्या मरीज का अटेंडर आते इतना उग्र होता है कि साहब आप इसके साथ ये करो, अरे ये काम करना चिकित्सक का काम है कि मुझे क्या चिकित्सा देनी है, मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है। मरीजों के परिजन आके खुद ही बताते कि आप ये करिए, इसको ये बोतल चढ़ा दी, आपने ये नहीं किया। तो ये चीज़ें तो उचित नहीं, इस तरह की चीज़ें से विरोधाभास होते, और तो कोई चीज़ है नहीं इसमें।